करेंगे आप पूरे विपक्ष को एकजुट करेंगे, इस बात में कितना दम है आपके लिए? देखिए बिहार देश भर में पूरा विपक्ष एकजुट है, कांग्रेस समर्थित कांग्रेस लेड, हमारे पास यूपीए है देश भर में, महागठबंधन है, उसमें अगर वो कोई सहयोग देना चाहते हैं नीतीश कुमार तो स्वागत है, और उसके लिए देश घूमने की ज़रूरत नहीं है, वो दिल्ली में जाकर के आवेदन दे देंगे कांग्रेस की अध्यक्ष के यहाँ, जिनके नेतृत्व में गठबंधन चल रहा है वो काफ़ी पर्याप्त है, मान लिया जाएगा कि आप महागठबंधन के सहयोगी हैं और उसमें सब लोग एकजुट भी हैं। लेकिन आपकी पार्टी तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार, हमारा पार्टी के द्वारा जो घोषित नीति है उसके हम विरोध में थोड़ी ना है, प्रधानमंत्री अगर पार्टी हमारा उनको बनाना चाहती है तो हम लोगों को स्वागत है, इसमें कहाँ किसी को दिक्कत है। हमारे व्यक्तिगत ओपिनियन है कि कोई भी देश में भाजपा के खिलाफ कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनने की अगर अर्हता रखता हो तो न्यूनतम अर्हता है कांग्रेस का समर्थन होना, आप कांग्रेस का समर्थन इकट्ठा कर लीजिए, बाकी लोग तो सहमत हो ही जाएंगे। नीतीश कुमार के ऊपर आपके बयानों को देखते हुए महागठबंधन के कई नेता आपको बीजेपी का एजेंट बताते हैं, कौन कौन महागठबंधन का दल ऐसा बोला है? तो आपके पार्टी के नेता तेजस्वी यादव भी कह रहे थे अपने बयानों में, और तेजस्वी जी ने क्या कहा था कि जो एनडीए के एजेंडा पर चलेगा वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाएगा। वह एनडीए का एजेंडा क्या है कि देश में कृषि कानून नहीं होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट पे खरीद नहीं होना चाहिए, ये एनडीए का एजेंडा है, मोदी जी का एजेंडा, जिसका विरोध देश भर के तमाम राजनीतिक दल और किसान संगठनों ने किया। 13 महीना तक 700 लोगों की शहादत के बदौलत वह कानून निरस्त हुआ, लेकिन बिहार में 2006 में कानून जो निरस्त हुआ था वह नीतीश कुमार जी आज तक नहीं लागू किए, तो एनडीए के एजेंडा पे कौन चल रहा है? एनडीए के एजेंडा पे नीतीश कुमार चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पे नीतीश कुमार चल रहे हैं, ये उस संदर्भ में उनका बयान था। आप कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन में होते हुए भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, एनडीए के लिए काम कर रहे हैं? हाँ निश्चित, उनके एजेंडा पे अभी भी वो चल रहे हैं, उन्होंने अपने एजेंडा जो पुराने जो एजेंडा है जो भाजपा के एजेंडा उससे वो अभी भी पीछे नहीं हटे हैं, और भाजपा वाले तो इसलिए केवल उन पर आरोप लगाते हैं, तरह तरह का आरोप लगाते हैं कि उनको सत्ता से बेदखल कर दिया है, सत्ता की हिस्सेदारी जो भारतीय जनता पार्टी थी हिस्सेदार को घर से बाहर निकाल दिए हैं, इसलिए नाराज होकर वो तरह तरह का आरोप लगाते हैं, दोनों तो एक ही है ना। आप विभिन्न सभाओं में नीतीश कुमार के ऊपर कई तरह के शब्द का इस्तेमाल करते रहे, इनसे आहत होकर नीतीश कुमार कह रहे कि उनके बयानों का कोई मतलब नहीं निकलता, आरजेडी के कई नेता भी का विरोध कर रहे हैं, जदयू के नेता का कहना है कि आपको पार्टी से निकाल देनी चाहिए। मेरे कौन से शब्द असंसदीय हैं? असंसदीय शब्द की बात नहीं कर रहे, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर जो आपने टिप्पणियां की हैं, किसानों के सवाल पर मांग करना क्यों आहत होते हैं लोग? 10 करोड़ आबादी होगी ना, 14 करोड़ बिहार में आबादी है, तो 10 करोड़ किसान, ये 10 करोड़ के सवाल पे मांग से आहत होने की क्या जरूरत है किसी को? हम आए हैं सत्ता में लोगों के काम करने के लिए, कि हम आए हैं केवल हम सत्ता में बैठ कर के हम केवल बैठे रहने के लिए, और उनकी जो जनता के सवाल जो विधायिका के एक सदस्य होने के नाते जो मेरा मैंडेट है जो मैं मांग कर रहा हूँ इससे आहत होने की क्या जरूरत है? हमारे तो 243 विधायक रोज सवाल करते हैं, अभी सत्र चल रहा था तो 243 विधायक मिल के हजारों सवाल किए, कहाँ कोई आहत होता है, मेरे सवाल से क्यों आहत कोई हो जाएगा? यानी आप अपने बयान है उस पे कायम रहेंगे इतने प्रकरण होने के बावजूद, आपने जो भी कहा है 17 सालों में कोई कभी देखा है मुझे बयान को बदलते हुए? मैं राष्ट्र जनता दल यू के किसी भी प्रवक्ताओं के किसी भी बयान को, मैं इस बात को लेकर के कि वह मुखौटा हैं और वो क्या बोलते हैं उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि मेरी जो सवाल है इस राज्य के सत्ता पे बैठे हुए शीर्ष व्यक्ति से सवाल है कि बिहार में मंडी कानून लागू होगा कि नहीं, बिहार में धान गेहूं खरीद में मल्टीपल एजेंसियों की इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं, बिहार में किसानों को फर्टिलाइजर्स सही समय पर मिलेगा कि नहीं,
इन सवालों पर नीतीश कुमार जी के सवाल या तो स्वयं उनको जवाब देना चाहिए या अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं से बुलवाना चाहिए। अब ये कार्यवाही 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 जैसा ये तो सड़क पे लोग करते रहते हैं, इस्तीफा दो, हम नारा लगाते हैं जो सड़क पे जाते हैं तो फला आदमी इस्तीफा दो, फला आदमी को ऐसे कर दो, फला आदमी गद्दी छोड़ दो, ये सब चलता रहता है। ये जन आंदोलनों की भाषा है तो इस भाषा का मैं क्या जवाब दूँ? तो कहते हैं खरमास बाद आप हट जाइएगा, आरजेडी आपको निष्कासित कर देगी। उपेंद्र कुशवाहा कहे कि खरमास के बाद आरजेडी उनको निष्कासित करेगी। मैं कहा कि उन मुखौटों का मैं क्या जवाब दूं? ये मुखौटे हैं पार्टी के, हमको क्या जवाब देना है इस सवाल पर? और राष्ट्रीय जनता दल के कार्रवाई करने के लिए कोई धार्मिक रूप से अड़चन नहीं ना है कि कोई तारीख तय हो कि फला तारीख को होगा फला तारीख को होगा। ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मसला है, वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मिल बैठ कर तय कर लिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।